शिक्षा विभाग की ओर से आज प्रदेश के 100 पूर्ण दृष्टि बाधित स्कूली बच्चों को लैपटॉप वितरित किए गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि लैपटॉप वितरण कार्यक्रम का आयोजन मालवीय नगर के राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया गया और जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शिरकत की। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले दृष्टि बाधित प्रतिभावान छात्र छात्राओं की ओर से ध्यान देते हुए सरकार ने यह सराहनीय कदम उठाया है। सरकार की ओर से प्रदेश के 100 पूर्ण दृष्टि बाधित कक्षा 9, 10 और 11वीं के छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरित किए गए। लैपटॉप पाकर दृष्टि बाधित छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे और इसी के साथ इन दृष्टि बाधित छात्र छात्राओं को 10 दिन का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उनके मैं चरणों में वंदन करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो हम खुश नसीब है। मैं एक ही नहीं, ये जो पूरे ब्लाइंड फील्ड है, जो दृष्टिबाधित है, दिव्यांग है, वो खुश नसीब है कि उनके लिए सरकार इतना कर रही है। तो इसमें हमारा सर भी हौसला बढ़ता है कि सर हमें ऐसा नहीं लगता कि हम अकेले हैं। और जो सर ने आज बात कही उसके माध्यम से जो मुझे फील हुआ है, वो मुझे ये फील हुआ है कि मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता हूँ। और आज मैंने वो कल्पना की है जो मैंने आज से पहले नहीं की थी कि मैं उस पद तक पहुँचूँगा। जैसे मान लो मैंने आज जो सर का भाषण सुना, जो सर का स्पीच सुना, उसमें मैंने जो कुछ सुना वो मैंने बिल्कुल मैंने आँखों से देखा नहीं, पर मैंने कानों से महसूस किया कि जो सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है। तो सर मैंने आज से पहले नहीं सोचा था कि मैं IAS तक का सपना सोचूंगा, पर अभी सर मेरा सपना है कि मैं 100% किसी भी प्रकार की मेरे सामने चुनौती आए पर मैं IAS बन के ही। अभी क्या कर रहे हो आप? अभी सर मैं BA फर्स्ट ईयर फ्रॉम नाकोट जैन महाविद्यालय जोधपुर से कर रहा हूँ सर। ये सरकार का हमेशा ये प्रयास रहता है कि मालिक ने अगर कोई कमी किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को दे दी, लेकिन सरकार उसके लिए पूरे खुले मन से काम करे। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं कि हमें एक ट्रस्टी के रूप में हम सरकार में हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार लोगों की पीड़ित मानवता की सेवा करना है। ये ऐसे बच्चे जो देख नहीं पा रहे हैं, तो इनको लैपटॉप का पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलप करा के देना, जिससे सामान्य बच्चों की तरह ये बच्चे भी उसका पूरा लाभ ले सकें और अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें और अपने आप को इतना ठोस बना सकें कि आने वाले समय में इनको किसी तरह की दिक्कत नहीं। लैपटॉप के अंदर एक स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है NVDA। वो NVDA सॉफ्टवेयर इस प्रकार का होता है कि जैसे जो भी स्क्रीन पर, जो भी आपके स्क्रीन पर आइटम्स डिस्प्ले होते हैं या पूरी स्क्रीन कहा जाए, तो उस पूरी आइटम जो स्क्रीन का आइटम्स होते हैं उसको वो रीड आउट करके बताता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, विद इन हेल्पिंग कमांड की सहायता से कि आपको अगर दूसरी कमांड्स पे जाना है या दूसरे ऑप्शंस पे जाना है तो आप किस प्रकार से उसको नेविगेट कर सकते हो, मतलब लेफ्ट राइट एरो, मतलब हर चीज़ आपको हेल्प करता है। लेकिन वो इंग्लिश के अंदर बोलता है, थोड़ी सी वहाँ पर आपको समझने की प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन अगर आप अगर उसको नेचुरली सुनेंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो सॉफ्टवेयर है वो अमेरिकन एसेंट्स पे बना हुआ है।